ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद दूसरी बार ग्वालियर को बड़ी सौगात दी है। इंडिगो की नई उड़ान सेवा दिल्ली इंदौर वाया फ्लाइट एवं भव्य शुभारंभ कार्यक्रम के साथ शुरू हो गई। इस नियमित उड़ान के आरंभ होते ही ग्वालियर अब देश के 10 शहरों से एयर कनेक्टिविटी के मामले में जुड़ गया है। बुधवार को इंडिगो ने अपनी नई उड़ान दिल्ली इंदौर वाया ग्वालियर सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर सर्वप्रथम नागरिक ग्वालियर एयरपोर्ट एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय नई दिल्ली में उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल कॉल पर उपस्थित रहे। इनके अलावा दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह वर्चुअल कॉल पर और ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, क्षेत्रीय सांसद विवेक शेजलवलकर, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी मंचासीन रहे। साथ ही प्रदेश के राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भोपाल से वर्चुअल कॉल पर जुड़े। इस नियमित उड़ान के शुरू होने से ही ग्वालियर अब देश के 10 शहरों से एयर कनेक्टिविटी के मामले में जुड़ गया है। अगर बात करें ग्वालियर से इंदौर तक ट्रेन से सफर की तो लगभग 11 घंटे में यात्री मंजिल तक पहुंच पाते हैं और दिल्ली तक कम से कम 4 घंटे में सफर तय कर पाते हैं। लेकिन इंडिगो की नई फ्लाइट शुरू होते ही इंदौर महज 90 मिनट में और दिल्ली महज 70 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। यहां बता दें कि अभी तक ग्वालियर से बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, जम्मू, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई के लिए स्पाइस जेट की उड़ान सेवा यात्रियों के लिए उपलब्ध है, जिसका शुभारम्भ 16 जुलाई 2021 को किया गया था। टीम भारती न्यूज। बिल्कुल, ग्वालियर की शुद्ध, ग्वालियर के परिवार के मुखिया, इस अंचल के मुखिया माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आज ग्वालियर को इंदौर से जोड़ा। इससे पूर्व भी कई उड़ानें दी गई हैं और आज रेलवे स्टेशन की भी शुरुआत जल्द करने की बात कही गई है और इस एरोड्रम का स्वरूप जो विस्तार 500 करोड़ की लागत से होगा, इसके लिए मैं माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का धन्यवाद आभार करता हूं, इस प्रदेश के एसोसिएट मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का और माननीय नरेंद्र सिंह जी का, और ग्वालियर को ट्रेनें देने की भी घोषणा की गई है उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए, बहुत बहुत बधाई जनता को, ग्वालियर की जनता को एक सौगात मिली है। सिंधिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कार्यभार संभालते ही जो एक गतिरोध कोविड काल में आया था वो उसको तुरंत उन्होंने दूर किया है। आप सबको जानकारी है कि पिछले कई वर्षों में, आज से करीब 3 वर्ष पूर्व 2018 में चार चार फ्लाइट एक वाले से प्रारंभ हुई थी, इकट्ठी हैदराबाद, बेंगलोर, जम्मू और कोलकाता। वो कोविड समय में उसकी भी निरंतरता नहीं रही, अनेकों फ्लाइट नहीं भी आज हमको मिली है सौगात के रूप में। जयपुर की मिली है, अहमदाबाद की मिली है, पुणे की तो पहले कोविड के पहले प्रारंभ हो चुकी थी। पर ये जो कोविड का जो एक महामारी का संकट देश के सामने था, उसके बाद में मोदी जी के नेतृत्व में देश ने तत्काल इससे उभरने का जो प्रयास किया, मेरा मानना है उसी प्रयासों का एक फल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मोदी टीम के सदस्य सिंधिया जी ने 53 दिनों के अंदर जो कुछ यहाँ पर गतिरोध था वो दूर किया और जो फ्लाइटें चल रही थी उनको दोबारा प्रारंभ किया और नई सौगातें उन्होंने ग्वालियर को, मध्य प्रदेश को दी हैं। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।